हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल मेरा एग्ज़ाम हुआ था, आज है 27। मतलब पता क्या हुआ, कल मेरी जो डेट शीट थी ना, पहले जो पुरानी डेट शीट आई थी उसके हिसाब से 26-27 को एग्ज़ाम था, 28 को छुट्टी थी, 29 और 30 को एग्ज़ाम था, इस तरह से थे। और मतलब कल एग्ज़ाम में बैठे बैठे रोल नंबर पे भी डेट शीट थी, मैं देखूँ इस पे तो डेट्स अलग लिखी हुई हैं। डेट शीट चेंज हो गई थी और उन्होंने दोबारा फोटो ग्रुप में भेजी थी कॉलेज वालों ने, मैंने ही नहीं देखी। मैं तो सेम ही फोटोज़ है, बार बार डेट शीट भेज रहे हैं। और शुक्र है मैंने कल देख ली, नहीं तो आज घम का चक्कर लगता गुड़गांव का। डेट शीट मेरी गलती थी, मैंने देखी नहीं। रोल नंबर भी परसों लेकर आए थे तो वो भी नहीं देखा था। तो अभी ना मैं वो खा रही थी, क्या था उसको, क्या बोल रहे थे, मैं नाम ही भूल गई इसका। ये बनाया था ना दर्द के लिए, होता है जो कमर दर्द वगैरह नहीं रहता है डिलीवरी के बाद, ये खा रही थी। इसको ना चबाना बड़ा मुश्किल लगता है, चबा चबा के खाना पड़ता है। और हाँ, मेरी आवाज़ धीरे तो नहीं आ रही, तो पता नहीं क्यों यार, घर पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ बोल के वीडियो बनाई नहीं जाती है, इसलिए आवाज़ शायद कम आती होगी। मैं नॉर्मल टोन में बोलती हूँ। और ये वीडियो वैसे मैंने स्टार्ट की है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है 1 अगस्त, 1 अगस्त को। और मैं कुछ सोच रही हूँ, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, वैसे भी अब बाहर अंदर तो मैं जा नहीं सकती, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट मैं सोच रही थी कि उनके लिए कुछ ऑनलाइन मंगवा देती हूँ गिफ्ट। उनको एक्चुअली सबसे ज़्यादा नीड उनको फ़ोन की है, मोबाइल फ़ोन की। जो ये अभी उनके पास फ़ोन है, ये 2019 में लिया था, वो भी मैंने उनको गिफ्ट किया था। और मेरे वाला फ़ोन मैंने 2020 में लिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि उनको एक फ़ोन गिफ्ट कर दूँ, बट मुझे सीरियसली बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। वो लोग कहते हैं रेडमी का मुझे लेना नहीं है, मैं हमारा दोनों के MI के ही फ़ोन है, बट वो कहते हैं अब मुझे MI का नहीं लेना है, OnePlus का लेना है। अब OnePlus का कौन सा ठीक होगा जो मेरे बजट में भी हो, मतलब 20-25 हज़ार तक ही आ जाए, 20 हज़ार तक ही, ज़्यादा तो मैं भी नहीं ऊपर जा सकती, 20,000 तक आ जाए अगर OnePlus का लेना है। अगर MI का लेना है वो तो 15,000 तक आ ही जाएगा। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ये हमारा बच्चा देख लो अंगड़ाइयाँ तोड़ता रहता है, और कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ ये नहीं समझ आ रहा है। मतलब किससे पूछूँ कि आजकल मतलब कौन सा ट्रेंड में है। और केक का, क्योंकि अभी मैं इस टाइम तो घर पे केक बना नहीं सकती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि केक वगैरह अभी कैसे लाया जाए। यहाँ पे तो हमने कभी बाहर से केक मंगवाया ही नहीं है, बट हाँ रात को हम घूमते हुए जाते होते थे पनीर लेने और कई बार आइसक्रीम वगैरह खाने। तो उस शॉप पे लाइक केक वाली, केक वगैरह वाली शॉप है वो, यहाँ पे बहुत हाई लेवल की बेकरीज वगैरह नहीं है, बट हाँ कि उस शॉप पे सब कुछ मिल जाता है मोस्टली। तो अब उनका नंबर वगैरह तो नहीं है, बट हाँ मैंने एक बार पेटीएम से पेमेंट की थी, तो शायद नंबर उस इसमें हो, शायद पेटीएम में। तो मैं ट्राई करूँगी देखने का कि उनको फ़ोन पे केक ऑर्डर कर दूँ ताकि वो घर पे दे जाए। वैसे तो दे के जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत बार उनके पास जाते थे रात को घूमते हुए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर, बताऊँगी ज़रूर। ये वीडियो मैं उनके बर्थडे के बाद ही पोस्ट करूँगी, बना तो अभी रही हूँ बट ये बाद में पोस्ट करूँगी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़ोन मुझे सीरियसली पता नहीं है, जब पता चलेगा तो मैं ऑर्डर कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ऑर्डर कर दूँ ताकि 2-3 दिन में आ जाए फ़ोन, तभी बर्थडे पे दे पाऊँगी। और लोग ऐसे जाके लेना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, गुड़गांव जाते हैं बट मेरा एग्ज़ाम दे के वापस आ जाते हैं, और वहाँ मुझे कुछ शॉप्स वगैरह भी पता नहीं है कहाँ से लूँ। सो ऑनलाइन देखती हूँ अभी मैं। सो गाइज, आज है 28 जुलाई, और मैं कल आपको बता रही थी कि ऑनलाइन ऑर्डर करने की सोच रही थी फ़ोन। सो मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है अमेज़ोन से। कौन सा ऑर्डर किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऑर्डर किया है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, वो मुझे पड़ा 18,000 का आफ्टर सारे डिस्काउंट वगैरह जो भी अमेज़ोन पे चल रहा था। और साथ ही में मैंने एक जो हैप्पी बर्थडे वाली डेकोरेशन होती है वो एक सेट ऑर्डर किया है, देखते कैसा आता है। और दोनों पे ही डेट 31 जुलाई थी, 30 to 31 जुलाई, 30 से 31 को आ जाएगा। आई जस्ट होप कि 31 को आ जाए, नहीं तो मजाक ही बन जाएगा मेरा अगर बर्थडे के बाद आया तो। तो चलो फिर जब आएगा तब आपको दिखाऊंगी।
सो गाइस कूलर वाला आ गया है, फ़ोन भी आ गया है और डेकोरेशन का सामान भी। सो गाइस इत्तेफाक से अभी मेरे हस्बैंड मंदिर गए थे नहा धो के, और तभी कुरियर वाले का फ़ोन आ गया कि वो आ गया है। तो ये आ गया है उनका फ़ोन, और एक कुरियर मंगवाया था मैंने, डेकोरेशन का सामान था थोड़ा सा, कि यहाँ मार्केट में नहीं जा पाती इसलिए मैंने अमेज़ोन से ही मंगवा लिया, और वो भी सेम डे में आ गया, मतलब संडे को मुझे मिल गया है। और मंडे को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो बाकी की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।